Hey guys, welcome to Top 7 of the day, जिसमें हम लेके आए हैं आपके लिए टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। आज है 27 जुलाई और हम लेके आए हैं अपनी ऑडियंस के लिए दिन की सात छोटी बड़ी खबरें। आज टीवी ड्रामा से रिलेटेड इतना कंटेंट नहीं था, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब के पीटीआई की टीम की तरफ से जीतने की वजह से जो कुछ भी टीवी स्टार्स ने कहा वो हम आपको बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें टीवी का तड़का। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टॉप 7 न्यूज ऑफ द डे में से पहली टॉप न्यूज, चुपके चुपके और परिस्तान फेम अरसलान नसीर, जो कि सीबी अरसलान नसीर के नाम से यूट्यूब पे भी काफी फेमस हैं, उन्होंने ट्वीट करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, हमजा भाई टेंशन की कोई बात नहीं, ऑफिस को अंदर से कुंडी लगा दें। एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, अरे ऐसे कैसे सीएम नहीं रहे, हमजा भाई आप किसी की ना सुने, बाकी चीजें बाद में देखते हैं, आप सबसे पहले तो शनवारी को जिस्म से स्टेपलर करवा लें। इसके अलावा एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, वजारत है या तुर्किश आइसक्रीम, हमजा शहबाज मीडिया पे भड़क उठे। इस ट्वीट पे फैंस बहुत ही ज्यादा हंस रहे हैं। मजीद ट्वीट करते हुए उन्होंने ये कहा, साहब के मुँह से फैक्स मशीन की आवाजें निकल रही है, लगता है प्रिंट निकलवाने पड़ेंगे, चौधरी शुजात के मुलाजिम की मीडिया से गुफ्तगु। एक और ट्वीट कर उन्होंने कहा, इतने चांसेस मिले एक बार तो पकड़ ले, कामरान अकमल हमजा शहबाज पे भड़क उठे। एक और ट्वीट जिस पे ऑडियंस खूब हंसी और लोटपोट हो गई वो था, पीएम की कुर्सी की जगह टू सीटर सोफा रखवा लें, बाप बेटे को साथ बिठाओ, नून लीग के सपोर्टर की अदलिया से अपील। और आखिरी ट्वीट में उन्होंने कहा, एक जरदारी नून लीग पे भारी। आपकी सब पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप इमरान खान के सपोर्टर हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरी टॉप न्यूज, टीवी स्टार मुनीब भट्ट ने भी ट्वीट करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक खिलाड़ी पूरी पीडीएम पे भारी। इसके अलावा उन्होंने मुर्गी का इमोजी लगाते हुए कहा, चल मेरा कुकर छुट्टी कर। फैंस इस पे खूब हंस रहे हैं और वज़ीर-ए-आला पंजाब साबका को खूब ट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा मुनीब भट्ट ने स्टोरी शेयर कर कहा, इमरान खान की पोस्ट के साथ लिखा है, आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम द डेंजर। फैंस इमरान खान के ये सब कुछ देख के बहुत खुश हो रहे हैं। इसके अलावा मीनाल खान के हस्बैंड एहसन मोहसिन इकराम ने भी यही शेयर कर कहा, एक जरदारी सबसे बड़ी बीमारी, कांग्रेचुलेशंस टू इमरान खान। दिन की तीसरी टॉप न्यूज, जियो टीवी पे दस्तक देगा एक नया ड्रामा जिसमें अमार खान, सैयद जिब्रान और इसके अलावा मोमल शेख आपको ड्रामा में नजर आएंगी। अभी सिर्फ इसका एक पोस्टर ही रिलीज किया गया है, फैंस ड्रामे के लिए खूब एक्साइटेड हैं। चौथी टॉप न्यूज, हम टीवी पे भी दस्तक देंगे एक नया ड्रामा जिसके पहले ही प्रोमो ने फैंस को अपनी तरफ खूब अट्रैक्ट कर लिया है, जिसमें बहुत स्टार्स नजर आने वाले हैं। उमर शहजाद, नूर हसन और जोया नासिर के अलावा बहुत से स्टार्स आपको इस ड्रामा में नजर आएंगे, फैंस इस ड्रामे के लिए खूब एक्साइटेड हैं। पांचवी टॉप न्यूज, बिलाल कुरैशी जो के पॉलिटिक्स में आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और हर एक छोटी छोटी राय अपनी स्टोरीज में शेयर कर रहे हैं। कल के इलेक्शन के बाद उन्होंने इमरान खान की फोटो शेयर कर लिखा, कैप्टन पाकिस्तान। फैंस उनकी ये पोस्ट देख के खूब खुश हो रहे हैं। छठी टॉप न्यूज, जियो टीवी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे शेयर की हिबा बुखारी की एक फोटो और लिख दिया, हिबा बुखारी हैप्पी बर्थडे 27 जुलाई। लेकिन उसके रिप्लाई में हिबा बुखारी ने लिख दिया, थैंक यू, लेकिन मेरी बर्थडे तो 29 जून को थी जिसको गुजरे एक महीना हो गया। उसके रिप्लाई में जियो ने लिख दिया, हम आपसे माफी चाहते हैं, हम ये ख्याल रखेंगे आइंदा के बाद, लेकिन आपको हमारी तरफ से गुजरी हुई सालगिरह मुबारक हो। सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज, एक्टर्स के अलावा फेमस राइटर खलीलुर रहमान कमर, जिन्होंने मेरे पास तुम हो और लंदन नहीं जाऊंगा जैसी फिल्में लिखी हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा, मुबारक हो अदलिया के हाथों तकब्बुर की मौत। ये थी आज की सात छोटी बड़ी खबरें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप रोज की सात छोटी बड़ी खबरें हासिल कर सकें।